हेलो दोस्तों, आज मैं आपको वीवो वाई 15 की सभी सेटिंग्स के बारे में जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम यहां से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ये सबसे फर्स्ट वाला हो गया, ये तो एरोप्लेन मोड का हो गया, आपको सबको पता है। सेकेंड जो है ये वाला वाईफाई का हो गया है, यहाँ से हम वाईफाई को ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। थर्ड, इसमें सिम सेटिंग्स है, यहाँ से आप एक सिम कोई सी भी चला सकते हो या फिर दोनों सिम चला सकते हो। कुछ भी यहाँ से सिम की कोई भी नेटवर्क सेटिंग करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये फोर्थ वाला अपना हो गया हॉटस्पॉट, इसकी भी जानकारी आप सभी को है। ब्लूटूथ की भी बहुत जानकारी आपको है। ओटीजी ये आप मोबाइल में जो ओटीजी लगाते हो और चिप राइडर जो लगाते हो उसके लिए इसको ऑन करना पड़ता है, ठीक है। इसको ऑन करके लगाओगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर आगे अपना स्टेटस बार एंड नोटिफिकेशन, यहाँ मोबाइल के ऊपर जो ये दिखते हैं आपको, बैटरी वगैरह, वोल्टेज लिखा आ रहा है, टाइम वो वगैरह यहाँ से शो होता है। इसमें आपको नोटिफिकेशंस को मैनेज कर सकते हैं। टॉप रिव्यू बैनर, ये बैनर का हो गया कि इसमें किस तरीके से बैनर रखना, आपको ऐसा रखना है या फिर ऐसा रखना है, ठीक है। फिर अपन आ जाते हैं नेटवर्क स्पीड, तो नेटवर्क स्पीड को हमेशा ऑन रखिए, उससे नेटवर्क की स्पीड आपको अच्छी मिलेगी, ठीक है। बैटरी परसेंटेज ये दिखा है आउटसाइड द बैटरी आइकॉन, इनसाइड द बैटरी आइकॉन, और नहीं रखना है तो अभी मेरा देखो कर रखा है 47% दिखा रहा है, वो अभी वहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं बाकी कोई फंक्शन हमारे यूज़ के नहीं है, ठीक है। सिस्टम नेविगेशन किस पर ऑन करके रखी है हमेशा। और फिर आ जाते हैं ये जो भी, तो कुछ इसको छोड़ देते हैं, अल्ट्रा गेम मोड भी छोड़ देते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब में आ जाते हैं, इसमें आपका इसको कर देंगे तो अलाउ ऑल कॉल्स करोगे तो सभी कॉल्स आएगी, और आप कर दोगे एनीवन तो एनीवन में कोई सब कॉल आ जाएगा। और यहाँ पे अगर चूज़ करेंगे कि आपको इसी कॉल को अटेंड करना है तो वही वाली होगी, ठीक है। साउंड में आ जाते हैं, इसमें से रिंगटोन वगैरह, मैसेज, अलार्म वगैरह की सभी सेटिंग्स यहाँ से हो जाती है। फिर आ जाते हैं सिस्टम अपडेट, जैसे ही अभी मेरा सिस्टम अपडेट मांग रहा है, और मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि अभी ये 3.5 GB का अपडेट मांग रहा है, अब इसके लिए तो बाद में अपडेट करेंगे इसको। फिंगरप्रिंट, फेस एंड स्क्रीन लॉक, फर्स्ट में जो आता है इसका ये फिंगरप्रिंट लॉक है, ठीक है। यहाँ से फिंगरप्रिंट लॉक हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा, आप एक फिंगर, दो फिंगर, तीन फिंगर, कितनी फिंगर्स को यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाते हैं स्क्रीन लॉक, तो पैटर्न हो गया, फेस वाला लॉक हो गया, तो यहाँ से फेस का लॉक कर सकते हैं, ठीक है। ये अब हम आ जाते हैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, सिक्योरिटी में आ जाते हैं। ये हमेशा सिक्योरिटी इनपुट को ऑन करके रखिए, स्क्रीन कैप्चर एंड रिकॉर्ड प्रोटेक्शन इसको ऑन करके रखिए, ठीक है। बाकी कोई कुछ दिक्कत नहीं है। बैटरी आ गई, अब बैटरी वाले में हम बैटरी परसेंटेज, यहाँ से भी हो जाता है, ये यहाँ पे भी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, कि बैटरी परसेंटेज दिखाना है नहीं दिखाना है, हाई बैकग्राउंड पावर, बैटरी यूसेज, इसमें से इसको तो कुछ मत करिए आप, बेक आ जाते हैं। हम जो खास है उसी को मैं समझा देता हूँ आपको। लोकेशन तो वो सामने से भी, यहाँ से नीचे से भी दिया होता है, यहाँ से भी लोकेशन ऑन ऑफ कर सकते हैं हम, ठीक है। अब लैंग्वेज में आ गए लैंग्वेज, हम इंग्लिश कर लिए, अभी इंग्लिश कर रखी है मैंने, आप कोई से भी लैंग्वेज कर सकते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज दे रखी हैं। अब ये मैंने ये बबल दिया हुआ है, ये तो एक ऐप है,
मैं वो यूज़ करता हूँ वैसे। उसके बाद रैम आ गई, रैम ये 4 GB है, टोटल स्पेस 64, यानी ये 4 64 है। फिर आ गए मोर सेटिंग्स में, आ गए अबाउट फ़ोन वगैरह, ऐप मैनेजर, परमिशन मैनेजमेंट, इजी टच। यहाँ से हम सारे वो सामने जो देख सकते हैं उनको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। SOS कॉल, तो इसको ऑन करेंगे तो हम इसको वो जो वॉल्यूम बटन, पावर बटन को अगर मोबाइल लॉक होगा और कोई इमरजेंसी है तो हम इसको 2 या 3 बार दबाएंगे तो ऑटोमेटिक 112 पर कॉल लग जाएगा, इसलिए वो दे रखा है। डेट एंड टाइम आ गया, ये ऑटो ये 24 घंटे ऑटोमेटिक टाइम सेव करके रखता है, भले किसी भी तरीके से मोबाइल बंद करो या चालू करो। ये गूगल अकाउंट वगैरह आ गए यहाँ पे, यहाँ गूगल अकाउंट में आ जाते हैं हम, ये गूगल अकाउंट की जानकारी मिल जाती है यहाँ से। ये यहाँ से हम जो भी जीमेल आईडी या एड अकाउंट करके रखते हैं वो तो यहाँ से उसको रिस्टोर कर सकते हैं फिर से। सिस्टम ऐप सेटिंग, यहाँ ये सारे जो जो ऐप्स आती है यहाँ पे उसकी हम सेटिंग्स कर सकते हैं यहाँ से। उस स्मार्ट मोशन हो गया, स्मार्ट वेक, ये अलग से जो फीचर नए मिलते हैं हम, जैसे ये नीचे सबसे नीचे आ गया, ये ऊपर से बता देता हूँ। स्लाइड अपवेट टू अनलॉक, इसको स्लाइड कर दोगे तो ये लॉक हो जाएगा, इसको ऑन करना है तो कर लीजिएगा। स्लाइड डाउनलोड टू टेक फ़ोटो, स्लाइड करोगे फ़ोटो पर जाके तो डाउनलोड हो जाएगी। सी बनाओगे तो ड्रो सी टू लॉन्च डायलर, सी बनाओगे आप, मोबाइल बंद भी होगा और सी बना दोगे तो ये डायलर जो है, जो हम नंबर डायल करते हैं वो ओपन हो जाएगा। एम बना देंगे तो म्यूज़िक प्लेयर ओपन हो जाएगा। स्लाइड हॉरिजॉन्टल क्लास चेंज म्यूजिक, म्यूज़िक चेंज हो जाएगा। ड्रो ई टू लॉन्च ब्राउज़र, ई बना देंगे तो ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। डब्ल्यू से व्हाट्सअप हो जाएगा, एफ से फेसबुक हो जाएगा, ये जीमेल का जो ए रहता है उससे ईमेल ओपन हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें अब क्या है, स्मार्ट मिररिंग, तो ये तो हम कंप्यूटर वगैरह से अटैच करते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। स्मार्ट स्प्लिट, इसका कोई आपको ये नहीं है। एस कैप्चर आ गया, ये 3 फिंग, इसको ऑन कर दोगे तो आप 3 फिंगर्स को रखकर ऊपर की तरफ स्लाइड करोगे तो स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, ठीक है। इसको ऑन करना तो कर लीजिएगा। ऐप क्लोन, यहाँ से ये जो जो ऐप यहाँ पर आती है, जैसे व्हाट्सअप रहता है एक स्नैपचैट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, अगर इसको आप ऑन करके रखोगे तो उसकी एक और कॉपी बनकर आपके मोबाइल में शो होगी, वो मैं आपको अभी आखिरी में दिखा दूँगा। और क्विक एक्शन, ये रिकॉर्ड ऑडियो, मैंने ऑडियो पे कर रखा है, आप किसी पे भी कर सकते हो। इसको वॉल्यूम बटन को अगर दबाओगे, अगर मोबाइल बंद भी रहेगा तो ऑटोमेटिक फ्लैशलाइट ओपन हो जाएगी, रिकॉर्ड ऑडियो करना है तो रिकॉर्ड ऑडियो होने लग जाएगा, ओपन कैमरा तो कैमरा ओपन हो जाएगा, फेसबुक ओपन हो जाएगा, और या फिर आपको कोई ऐप चूज़ करनी है तो वो ऐप ओपन हो जाएगी, ठीक है। और आपको कोई भी दिक्कत आए इसमें तो नीचे कमेंट कीजिए तो मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा और उसके बारे में जानकारी भी दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, ये जैसे मैंने ये देखो दो दो इंस्टाग्राम दिख रहे हैं आपको, ये दोनों इंस्टाग्राम मैंने बना रखे हैं, देखो इसको कॉपी हो जाती है, वो मैंने बताया था तो वो कॉपी हो जाती है, तो आप दो एक साथ में दो इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई दिक्कत आए तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। धन्यवाद।